नाउ स्टूडेंट, अब तक हमने किया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन, कि अगर हमारे पास इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो है और अगर ये एग्जैक्ट इक्वेशन है देन करली एम ओवर करली वाई इज इक्वल टू करली एन ओवर करली एक्स होगा, और कन्वर्सली अगर करली एम ओवर करली वाई इज इक्वल टू करली एन ओवर करली एक्स है तो हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो क्या होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम लिखते थे एम की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय कीपिंग वाई कांस्टेंट, वाई को कांस्टेंट ट्रीट करना था, प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स टर्म्स ऑफ एन विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स और वी कैन से दैट नॉट कंटेनिंग एक्स, उन टर्म्स की हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन आ जाता था दैट वॉज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सोल्यूशन तो हम तब फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट होगी, और एग्जैक्ट का कैसे पता चलेगा, अगर करली एम ओवर करली वाई इज इक्वल टू करली एन ओवर करली एक्स है। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे कि अगर हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर डिग्री वन की इस फॉर्म की, अगर वो एग्जैक्ट नहीं है, मींस करली एम ओवर करली वाई इज नॉट इक्वल टू करली एन ओवर करली एक्स, अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसका सोल्यूशन कैसे लिखना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिसको अगर इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन इक्वेशन के साथ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे अगर कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो कैसे फाइंड करना है वो भी हम करेंगे, लेकिन सपोज करो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर u आ गया, तो u को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो m इंटू यू डी एक्स, यू जो होगा हमारे पास दैट वाज वो फंक्शन हो सकता है x और y दोनों का, एम यू इंटू डी एक्स प्लस एन यू इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो हमारे पास नई इक्वेशन आ गई, एक तरह की हमारे पास आ गई एम डैश डी एक्स प्लस एन डैश डी वाई, तो वो जो इक्वेशन आ जाएगी अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो मीन्स अगर हम नई इक्वेशन इसको कंपेयर करें एम डैश डी एक्स, एम डैश भी लिख सकते हो आप, एम वन भी लिख सकते हो, क्योंकि एम डैश मीन्स डजंट मीन के डेरिवेटिव, ठीक है, तो क्योंकि हम इसको एम यू को एम तो नहीं लिख सकते, तो अगर हम इसको एम वन डी एक्स और एन वन डी वाई मान लें तो ये जो हमारी नई इक्वेशन आएगी ये क्या होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। मीन्स करली एम वन ओवर करली वाई, मीन्स करली ऑफ करली वाई किसका, एम इंटू यू का, और करली एन ओवर करली एक्स मीन्स करली ऑफ कर डेरिवेटिव एन वन का, एन वन क्या है हमारे पास एन यू, तो ये जो दोनों डेरिवेटिव्स हैं वो हमारे पास क्या आएंगे, इक्वल। मीन्स करली एम वन ओवर करली वाई इज इक्वल टू करली एन वन ओवर करली एक्स, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, ये क्या होगी, एग्जैक्ट आ जाएगी। कब आएगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अब हमारा जो मेन काम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जब हमारे पास इक्वेशन, अब जो नई इक्वेशन है हमारे पास, अब ये एग्जैक्ट इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, तो जो पहले करते थे कि एम वन की इंटीग्रेशन करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय कीपिंग वाई कांस्टेंट, प्लस
टर्म्स इन एन वन नॉट कंटेनिंग एक्स, नॉट कंटेनिंग एक्स, उनकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास सॉल्यूशन होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, सो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करना है उसके लिए हम फाइव रूल्स रीड करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रूल, तो फर्स्ट रूल का हम प्रूफ भी करेंगे, उसका उसके रिगार्डिंग आर्टिकल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसके क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आर्टिकल सॉल्व करेंगे। नाउ फर्स्ट रूल हमारे पास है, इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी, अगर हमारे पास जो m और n हैं वो हमारे पास क्या होंगे, होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री। यहां पे फर्स्ट थिंग आपने क्या देखनी है, अगर हमारे पास m और n होमोजीनियस फंक्शंस हैं सेम डिग्री के, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास होगा 1 ओवर एम एक्स प्लस एन वाई, प्रोवाइडेड। अब हमें यह भी देखना है कि एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे कि अगर m और m n हमारे होमोजीनियस फंक्शन है सेम डिग्री के, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, 1 ओवर एम एक्स प्लस एन वाई, प्रोवाइडेड एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब अगर जीरो होगा तो उसके लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नाउ सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, तो इसको अगर हम कंपेयर करें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो के साथ, तो m की वैल्यू हमारे पास x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 और n की वैल्यू हमारे पास माइनस ऑफ x इंटू वाई क्यूब। m और n यहां पे हमारे पास सेम होमोजीनियस फंक्शन है, m होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 4 है और n भी होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है हमारे पास 4। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, करली m ओवर करली y चेक करेंगे, तो वो हमारे पास आ गया 4y क्यूब, और अगर करली n ओवर करली x की बात करें दैट इज माइनस y क्यूब। क्लियरली बोथ आर नॉट इक्वल, सो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में सबसे पहले फर्स्ट रूल कब अप्लाई होता है, जब m और n हमारे पास क्या हो, होमोजीनियस फंक्शन हो। तो यहां पे हमारे पास m और n होमोजीनियस फंक्शन है, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहले हम एम एक्स प्लस एन वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए एम एक्स, सो वो हमारे पास आ गया x टू द पावर 5, m को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x टू द पावर 5 प्लस x इंटू वाई टू द पावर 4, और n को हम मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, तो वो हमारे पास आ गया माइनस एक्स वाई टू द पावर 4, तो ये दोनों हो गए कैंसल, हमारे पास आ गया x टू द पावर 5। क्लियरली दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 ओवर एम एक्स प्लस एन वाई, तो ये हमारे पास आ गया 1 ओवर x टू द पावर 5। ये हमारे पास जो हमने लास्ट किया था एक फंक्शन आ गया u आ गया जो फंक्शन है x और y का, तो अब हम क्या करेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को u के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 1 इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ओवर x टू द पावर 5 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x टू द पावर 5 इंटू x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 dx माइनस एक्स वाई क्यू ओवर x टू द पावर 5 dy इज इक्वल टू जीरो। तो जब मल्टीप्लाई किया तो
तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ गया 1 ओवर x प्लस y टू द पावर 4 ओवर x टू द पावर 5 माइनस y क्यूब ओवर x टू द पावर 4 dy इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई। अब इसको फिर से कंपेयर करेंगे mdx प्लस ndy के साथ, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद m1dx प्लस n1dy इज इक्वल टू 0, क्योंकि m तो हमारे पास ऑलरेडी इस इक्वेशन में आ रखा है। तो m1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 ओवर x प्लस y टू द पावर 4 ओवर x टू द पावर 5, और n1 की वैल्यू हमारे पास आ गई y क्यू x टू द पावर 4। तो करली m1 ओवर करली y करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4y क्यू डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5, और करली n ओवर करली x की बात करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, y तो कांस्टेंट है तो ये हमारे पास आ जाएगा 4y क्यू ओवर x टू द पावर 5। नाउ करली m1 ओवर करली y, करली m1 ओवर करली y इज इक्वल टू करली n ओवर n1 ओवर करली x। सो गिवन जो हमारे पास ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, तो अगर एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन भी हम लिख सकते हैं। सो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, m1 की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय कीपिंग y कांस्टेंट, और टर्म्स इन n1 विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू c। तो टर्म्स इन n1 नॉट कंटेनिंग x, तो m1 हमारे पास क्या है, 1 ओवर x प्लस y टू द पावर 4 ओवर x टू द पावर 5 dx बाय कीपिंग y कांस्टेंट, और n1 में कौन सी टर्म है जिसमें x नहीं है, 0, कोई भी ऐसी टर्म नहीं है, इज इक्वल टू c। तो इसकी इंटीग्रेशन करी हमने log x, तो यहां पे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x टू द पावर माइनस 5, तो इंटीग्रेशन करने के बाद y टू द पावर 4 x टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 4 इज इक्वल टू c। तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर सिंप्लीफाई करें इसको तो ये हमारे पास आ गया log x माइनस y टू द पावर 4 ओवर 4 x टू द पावर 4 इज इक्वल टू c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व y स्क्वायर dx प्लस x स्क्वायर माइनस xy माइनस y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 के साथ। m की वैल्यू हमारे पास y स्क्वायर आ गई और n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x स्क्वायर माइनस xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर करली m ओवर करली y वो हमारे पास आ जाएगा 2y, और करली n ओवर करली x हमारे पास क्या आ गया, 2x माइनस y। क्लियरली बोथ आर नॉट इक्वल, करली m ओवर करली y इज नॉट इक्वल टू करली n ओवर करली x। सो मीन्स जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, तो m भी हमारे पास एक फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 का, और n भी हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 का। तो क्लियरली यहां पे हम फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो mx प्लस ny करेंगे सबसे पहले। mx हमारे पास x इंटू y स्क्वायर, ny y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे n को, x स्क्वायर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, 1 ओवर एम एक्स प्लस एन वाई मीन्स 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए।
तो इंटीग्रेट अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन इक्वेशन के साथ, तो वो हमारे पास आ गई वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू जीरो। नाउ टेकिंग वाई कॉमन और वाई कैंसिल करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, यहां पर हमारे पास आ जाएगा इसको सेपरेट करेंगे वन ओवर वाई माइनस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई के और वाई कैंसिल हो जाएगा यहां पे एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो नाउ ये जो हमारे पास नई इक्वेशन आएगी ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप चेक भी कर सकते हो इसको, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसको एम वन कंसिडर किया था, इसको एम टू कंसिडर किया था, करली एम वन ओवर करली वाई इज इक्वल टू करली एन ओवर करली एक्स आ गया था, तो आप उसको चेक कर सकते हो। सो दिस विल बी दी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, देयर फोर इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय एम वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट प्लस टर्म्स इन एन वन नॉट कंटेनिंग एक्स, तो यहां पे कौन सी टर्म ऐसी है जिसमें एक्स नहीं है, दैट इज वन ओवर वाई इज इक्वल टू सी। नाउ कीपिंग वाई कॉमन, टेकिंग वाई कॉमन, दिस इज वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, वाई यहां पे कॉन्स्टेंट है और वन ओवर वाई की इंटीग्रेशन दैट इज लॉग वाई इज इक्वल टू सी। नाउ यहां पे हम फार्मूला लगाएंगे वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन का, दैट इज वन ओवर टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, तो ये हमारे पास आ गया वाई वन ओवर टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू सी। तो यहां पे वाई और वाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन इसका आ गया वन ओवर टू लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू सी। तो यहां पे एक काम और भी कर सकते हो आप, यहां पे भी लॉग है यहां पे भी लॉग है, आप इसका कॉन्स्टेंट आप इसको लॉग सी भी लिख सकते हो या लॉग सी डैश लिख लो, यहां पे सी था ना, सी को हमने लेट कर लिया लॉग ऑफ सी डैश। तो अब ये हमारे पास सारी इक्वेशन लॉग में आ गई, तो अब इसको सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहते हो तो टू के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हमारे पास आ जाएगा टू के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई प्लस टू लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी डैश टू लॉग सी डैश। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये हमारे पास आ गया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास वाई स्क्वायर लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी की प्रॉपर्टी, ये करने के बाद ये हमारे पास है लॉग ऑफ सी डैश स्क्वायर, तो टेकिंग एंटी लॉग, सो ये हमारे पास वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी डैश स्क्वायर। ओके, तो ये भी हमारे पास सॉल्यूशन है, मतलब जो हमारा जो ये वाला सॉल्यूशन था हम इसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अब तक तो हमने जो किए वो फर्स्ट रूल के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस किए थे, एग्जांपल की थी, लेकिन अब हम उसका आर्टिकल करेंगे कि अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देन वन ओवर एम एक्स प्लस एन वाई क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा प्रोवाइडेड एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब एम और एन हमारे पास क्या होगी, दो होमोजीनियस फंक्शन है सेम डिग्री के, सो लेट एम एंड एन बी दी होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री पी, सेम हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है सेम डिग्री के से पी, तो इसका मतलब एम भी हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है पी डिग्री का, एन भी हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है, तो ऑयलर थ्योरम तो एम हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है, तो यूजिंग ऑयलर थ्योरम एक्स इंटू करली एम ओवर करली एक्स प्लस वाई इंटू करली एम ओवर करली वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी इंटू एम, और एन भी हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है पी डिग्री का, तो अगेन यूजिंग ऑयलर थ्योरम एक्स इंटू करली एन ओवर करली एक्स प्लस वाई इंटू करली एन ओवर करली वाई ये हमारे पास आ जाएगा पी इंटू एन, तो ये तो हमारे पास यूजिंग ऑयलर थ्योरम दो रिजल्ट आ गए। नाउ अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, वन ओवर एम एक्स प्लस एन वाई के साथ, फिर हम चेक करेंगे क्या वो नई इक्वेशन एग्जैक्ट आई। नाउ फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया वन ओवर एम एक्स प्लस एन वाई के साथ, तो वन ओवर एम एक्स प्लस एन वाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, सो एम ओवर एम एक्स प्लस एन वाई डी एक्स प्लस एन ओवर एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास क्या आ गई, एक नई इक्वेशन आ गई। तो अब हमने ये चेक करना है, जैसे हमने क्वेश्चंस में किया था कि ये हमारे पास एम वन और ये हमारे पास एक नया फंक्शन एन वन, तो क्या करेंगे एग्जैक्ट चेक करने के लिए, करली एम वन, तो ये हमारे पास एम वन डी एक्स प्लस एन वन डी वाई इज इक्वल टू जीरो आ गया। नाउ करली एम वन ओवर करली वाई, नाउ वी आर टू प्रूव दैट, हमने प्रूव क्या करना है यहां पे, क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट इक्वेशन है तो हमने ये प्रूव करना है कि करली एम वन ओवर करली वाई इज इक्वल टू करली एन वन ओवर करली एक्स, मीन्स दोनों का डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास जीरो। नाउ एम वन की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, एम ओवर एम एक्स प्लस एन वाई, नाउ यहां पे हम क्या करेंगे क्वेश्चन टू लगाएंगे, एम एक्स प्लस एन वाई होल स्क्वायर, नाउ एम एक्स प्लस एन वाई एज इट इज, एम एक्स प्लस एन वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस एम एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स प्लस एन वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, जब विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव किया सबसे पहले एम एक्स का, तो ये हमारे पास आ गया एक्स इंटू कर ली एम ओवर कर ली वाई, एक्स तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करना है हमने, तो एक्स को हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर ली एम ओवर कर ली वाई, और एन वाई में हम क्या करेंगे प्रोडक्ट टू लगाएंगे एन वाई में, तो ये हमारे पास आ गया एन इंटू वन प्लस वाई इंटू कर ली एन ओवर कर ली वाई। नाउ तो ये हमारे पास आ गया एक्स एम कर ली एम ओवर कर ली वाई प्लस एन वाई करली एम ओवर करली वाई माइनस एक्स एम करली एम ओवर करली वाई प्लस एन इंटू एम माइनस वाई इंटू एम इंटू करली एन ओवर करली वाई। नाउ ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड में हमारे पास क्या है एम एक्स प्लस एन वाई होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया एन वाई करली एम ओवर करली वाई माइनस एम इंटू एन माइनस एम इंटू वाई करली एन ओवर करली वाई डिवाइडेड बाय एम एक्स प्लस एन वाई होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया अभी
करली एम वन ओवर करली वाई। नाउ हम क्या करेंगे, करली एन वन ओवर करली एक्स करेंगे, और एन वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, एन वन हमारे पास है एन ओवर एम एक्स प्लस एन वाई। नाउ करली एन वन ओवर करली एक्स, तो यहां पे अगेन कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, एम एक्स प्लस एन वाई होल स्क्वायर, एम एक्स प्लस एन वाई एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस एन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एम इंटू वन प्लस एक्स इंटू करली एम ओवर करली एक्स प्लस, जब एन वाई का डेरिवेटिव किया तो वाई को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वाई एज इट इज एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो एन इंटू वाई करली एन बाई करली एक्स, ये वाली टर्म हमारे पास हम कैंसिल हो जाएगी यहां पे, तो एम एक्स करली एन ओवर करली एक्स माइनस एम इंटू एन माइनस एन एक्स करली एम ओवर करली एक्स डिवाइडेड बाय एम एक्स प्लस एन वाई हो स्क्वायर। नाउ अब हमने प्रूव क्या करना है कि करली एम वन ओवर करली वाई इज इक्वल टू करली एन वन ओवर करली एक्स। नाउ करली एम वन ओवर करली वाई माइनस करली एन वन ओवर करली एक्स। नाउ करली एम वन ओवर करली वाई हमारे पास था एन वाई करली एम ओवर करली वाई माइनस एम एन माइनस एम वाई करली एन ओवर करली वाई डिवाइडेड बाय एम एक्स प्लस एन वाई होल स्क्वायर माइनस, और यहां पे करली एन वन ओवर करली एक्स हमारे पास क्या आ गया, एम एक्स करली एन ओवर करली एक्स माइनस एम एन माइनस एन एक्स करली एम ओवर करली एक्स डिवाइडेड बाय एम एक्स प्लस एन वाई होल स्क्वायर। सो तो ये हमारे पास एम एक्स प्लस एन वाई होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ये वाला फैक्टर तो हम कैंसिल हो जाएगा यहां पे। नाउ एन वाई करली एम ओवर करली वाई माइनस एम वाई करली एन ओवर करली वाई माइनस एम एक्स करली एन ओवर करली एक्स, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा प्लस एन एक्स करली एम ओवर करली एक्स। नाउ फ्रॉम दीज टू टर्म्स टेकिंग एन कॉमन, तो ये हमारे पास एक्स इंटू करली एम ओवर करली एक्स प्लस वाई इंटू करली एम ओवर करली वाई, यहां से टेकिंग माइनस एम कॉमन, तो ये हमारे पास आ गया एक्स इंटू करली एन ओवर करली एक्स प्लस वाई इंटू करली एन ओवर करली वाई। डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया, एम एक्स प्लस एन वाई होल स्क्वायर। नाउ यूजिंग, क्योंकि जब हमने यहां पे यूजिंग ऑयलर थ्योरम किया था तो एक्स इंटू करली एम ओवर करली एक्स प्लस वाई इंटू करली एम ओवर करली वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई थी पी इंटू एम, और इसकी वैल्यू हमारे पास एन इंटू पी इंटू एन, तो ये वाली दो वैल्यूज हम यूज करेंगे यहां पे पी इंटू एम, और ये हमारे पास पी इंटू एन, तो एम एक्स प्लस एन वाई होल स्क्वायर, ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी जीरो। तो यहां से हमारे पास आ गया करली एम वन ओवर करली वाई माइनस करली एन वन ओवर करली एक्स इज इक्वल टू जीरो, मीन्स करली एम वन ओवर करली वाई इज इक्वल टू करली एन वन ओवर करली एक्स, मीन्स जो हमारे पास गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आई थी एम वन डी एक्स प्लस एन वन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास क्या आ गई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसे आई थी, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको मल्टीप्लाई करने के बाद वन ओवर एम एक्स प्लस एन वाई के साथ, तो इसका मतलब ये हो गया ये जो हमारे पास फैक्टर है वन ओवर एम एक्स प्लस एन वाई, ये हमारे पास क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, कब, अगर एम एक्स प्लस एन वाई क्या हमारे पास जीरो, सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो, अगर एम एक्स प्लस एन वाई क्या है हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो।
नाउ लेकिन अगर ये हमारे पास जीरो आता है, इफ एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू जीरो, तो m ओवर n की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी माइनस वाई ओवर एक्स। नाउ जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन को n के साथ डिवाइड कर देंगे, m ओवर n डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू जीरो, एम ओवर n की वैल्यू हमारे पास माइनस वाई ओवर एक्स डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई। नाउ अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, माइनस के साथ नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल करेंगे, वन ओवर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर वाई डी वाई। मीन्स वन ओवर वाई डी वाई माइनस वन ओवर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, log of y माइनस log of x इज इक्वल टू log of c, यहां पे भी log है यहां पे भी log है, तो यहां पे हमने लिख लिया log of c। तो ये हमारे पास log of y over x इज इक्वल टू log of c, टेकिंग एंटी log y over x इज इक्वल टू c, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई सी एक्स। मीन्स ये हमारे पास सोल्यूशन होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, कब, अगर एम वाई एक्स प्लस एन वाई क्या आएगा जीरो। ओके तो ये तो हमारे पास था फर्स्ट रूल, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सेकंड रूल। तो तब तक आप फर्स्ट रूल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करें। ओके.